नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र TAF जो प्रथम 6 माह का भरा जाना है, तो किस प्रकार से हमको सारा दर्पण पर भरना है। 1 जनवरी से 30 जून तक का जो TAF है, अंतिम तिथि 1 नवंबर 2021 है, और जो सत्र है हमारा 2021-22 के लिए ये भरा जाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टाफ विंडो में, अपनी NICID से लॉगिन करते हुए हम पहुंच जाते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। सबसे पहले हम जो 3 लाइनें हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करने के पश्चात जो फॉर्म है यहाँ क्लिक कर लेंगे। फॉर्म में क्लिक करने के पश्चात जो TAF है वहाँ हम पहुँच जाएंगे, और जो TAF सेशन 2021 का यहाँ दिया गया है। जो सत्र है हमारा 21-22 उसका TAF हमारे सामने खुला हुआ है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जांच कर लेते हैं। उसके बाद में इसको हम सत्यापित कर देते हैं। जैसे ही सत्यापित करेंगे उसके बाद में वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं, तो यहाँ पर जो 21-22 में मैपिंग किए हुए सब्जेक्ट प्रदर्शित होंगे। मैपिंग हमको किस प्रकार से करनी है ये हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर देखिए जो क्लास है वो यहाँ प्रदर्शित हो रही है। उसके बाद में विगत 6 माह में जो शिक्षक की भौतिक उपस्थिति है वो भी हम जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है 60% से कम, 60-86% वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके पश्चात यदि प्रतिनियुक्ति पत्र रहे हैं तो हाँ या नहीं है जो भी है। उसके बाद में प्रतिनियुक्ति पर दिनों की संख्या है वो डाल देंगे, गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक। उसके बाद में ये जो मापदंड है इसके हिसाब से रेटिंग देनी है, तो ये हम अपने हिसाब से दे देंगे। यहाँ केवल स्वयं मूल्यांकन की रेटिंग देनी है, संस्था प्रधान और नियंत्रण अधिकारी द्वारा रेटिंग स्कूल लॉगिन से दी जाएगी, तो वो चीज़ अलग है। उसके बाद में हमारी ग्रेड हमको चूज नहीं करनी है क्योंकि अपने आप चूज हो जाएगी। जैसे हम रेटिंग देंगे उस हिसाब से सिस्टम अपने आप कर लेगा। उसके बाद में यदि नियंत्रण संस्था प्रधान का जो समग्र मूल्यांकन है वो भी यहाँ पर अपने आप हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा कॉलम है भाग दो में भी जो रेटिंग है वो हमको देनी है चुनौतियों की। 1, 2 और 3 जो क्रम है घटते हुए उसके हिसाब से ये हमको यहाँ पर देनी है। और उसके पश्चात जो कौशल शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस हो रही है उसकी भी हम यहाँ रेटिंग दे देंगे, सेव और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में जो तीसरा भाग है उसमें जो ट्रेनिंग है वो हमको ऐड करनी है। ये ट्रेनिंग हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और जो फॉर्म नंबर 10 है वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ट्रेनिंग ऐड कर लेंगे। उसके पश्चात कंप्यूटर प्रशिक्षण है, तो कंप्यूटर प्रशिक्षण राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर यदि किया है तो हाँ या नहीं में बताना है। यदि अदर से किया है तो ये नहीं करना है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्य शैली के बारे में जो मापदंड के अनुसार अपनी राय है वो देनी है। तो ये कंप्लीट करके हम जो
सेव कर देंगे और TAF का जो फाइनल डाटा है वो लॉक कर देंगे। इसमें OTP सुविधा यदि अब है तो वो आएगी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो मैपिंग है वो किस प्रकार से करेंगे। मैपिंग के लिए हमको शुरू में लॉगिन कर लेना है जो स्कूल लॉगिन है वहाँ, और स्कूल लॉगिन में जाके जो स्टाफ है यहाँ पर हमको क्लास टीचर मैपिंग देख लेनी है। ये क्लास टीचर मैपिंग यहाँ हो जाएगी। उसके पश्चात जो हमारी रिपोर्ट्स है, रिजल्ट रिजल्ट में जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है, और इसमें विषय अध्यापक मैपिंग है, यहाँ से हमको देख लेना है। यहाँ से हमको जो क्लास टीचर है उसकी मैपिंग, सब्जेक्ट टीचर है उसकी मैपिंग कर देनी है। तो जैसे यहाँ सेशन चुन लेना है हमको 21-22, क्लास जो भी हमारी है सेक्शन, और उसके बाद में गो। यहाँ से हमको जो भी टीचर है उनकी मैपिंग कर देनी है, वो वहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस प्रकार ये सारा का सारा TAF का जो कार्य प्रणाली है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यदि इसमें कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।